बेल का आइकन दबाइए और द होम मिनिस्टर की सारी नई रेसिपीज का नोटिफिकेशन पाइए। हे फ्रेंड्स, फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है और इसलिए आज मैं बनाने वाली हूँ स्पेशल पुलाव। इसे जर्दा भी कहते हैं, स्वीट पुलाव भी कह सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। मैंने लिया है बासमती चावल, जिन्हें 10 मिनट पहले ही मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और पानी निकाल लिया है। शक्कर चाहिए हमें, स्वीटनेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू और बादाम को बीच से दो टुकड़ों में काट लिया है मैंने, आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। दो छोटी इलायची, दो लौंग और थोड़ी सी सौंफ ली है मैंने। शुद्ध घी चाहिए, दो तीन बड़े चम्मच भर के लिया है ये। और चाहिए फूड कलर, आप कोई भी ब्रांड का फूड कलर यूज कर सकते हैं, अपनी पसंद का कलर चूज कर लीजिए। और चाहिए पानी, जिसे मैंने पहले से ही उबलने के लिए रख दिया है। पानी में जब उबाल आने लगे तब हम उसमें चावल ऐड करेंगे। सारे चावल को इसमें डाल लेते हैं, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे ढककर थोड़ी देर पकाएंगे। चेक करते हैं। अब चावलों में उबाल आने लगा है, अब इसमें फूड कलर ऐड करेंगे और उसे भी मिक्स कर चावलों को पका लेंगे। ये देखिए चावल पकना शुरू हो चुका है। बीच बीच में इसे स्टर करते रहिए और चावलों को चेक करते रहिए। चेक कर लेते हैं चावल पका है कि नहीं। ये 50% लगभग पक चुका है, इसे थोड़ी देर और पका लेते हैं। चावल हमें पूरा नहीं पकाना है, इसे थोड़ा कच्चा ही रखते हैं ताकि ये जब तड़का देंगे तब बाकी का उसमें पकेगा। चावल अब 60-70% पक चुका है, अब हम गैस को बंद कर लेंगे और थोड़ी देर इसे गर्म पानी में ही रहने देंगे। अब मैं इसे ड्रेन कर ले रही हूँ, इसका पूरा पानी हम निकाल लेंगे और इसे एक बार ठंडे पानी से धो लेंगे ताकि इसकी कुकिंग रुक जाए। ये देखिए चावल एकदम खिला खिला बना है और ये लगभग 70-80% पका हुआ है, पूरी तरह नहीं पका है। अब गैस चालू करेंगे, उस पर एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें एक चम्मच भर के घी डालेंगे। घी जब थोड़ा गर्म हो जाए तब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करेंगे। तो काजू बादाम के टुकड़ों को इसमें डाल लिया है मैंने और इसे थोड़ा फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए हल्का सुनहरा हो गया, अब इसे घी से निकाल लेंगे। अब सेम घी में हम लौंग इलायची और सौंफ के दाने डालेंगे और बचा हुआ घी भी ऐड कर लेंगे। इसे ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि घी ऑलरेडी गर्म था। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावलों को घी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मैंने एकदम लो रखा है, अभी हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ये नीचे से जलने लगेगा, इसलिए फ्लेम को अब एकदम लो कर देंगे। चावलों को घी में थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें हम शक्कर ऐड करेंगे। शक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिए, आपको कितना मीठा पसंद है। और शक्कर को भी चावल में अच्छी तरह से मिला लेंगे। ध्यान रहे अब हमें चावलों को बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है वरना ये टूटने लगेंगे। तो इसे धीरे से पलटकर शक्कर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसे अब हम लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। चेक कर लेते हैं, शक्कर में से जब पानी निकलने लगे तब हम इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे। तो गैस को हाई फ्लेम पर कर लेती हूँ मैं। शक्कर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और पानी सूखने तक इसे भून लेंगे। ये देखिए पूरा पानी सूख चुका है और चावल भी पूरी तरह पक चुके हैं। अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम गैस को लो कर देंगे। अब इसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, बाकी के मैं गार्निशिंग के लिए बचा के रख रही हूँ। फ्लेम को एकदम लो कर दिया है और इसे ढक कर आधा से एक मिनट के लिए पका लेते हैं। स्वीट पुलाव बनकर एकदम तैयार है। ये देखिए पानी पूरी तरह सूख चुका है।
और ये नीचे से बिल्कुल भी नहीं जला है। ड्राई फ्रूट्स को भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। जैसा हम शीरा वगैरह बनाते हैं ये उसी स्टाइल में थोड़ा पकाना है। मैं आपको अभी डिश आउट करके दिखा रही हूँ, लेकिन इसे थोड़ा ठंडा करके सर्व किया जाता है। बाकी के बचे हुए ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश करेंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद ही सर्व कीजिए। ज़रूर बना के देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है, बच्चे तो बहुत पसंद करेंगे। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो हमेशा की तरह लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी बाकी रेसिपीज़ को भी देखते रहिए।